खान की इस किचन। हाय मॉम। हेलो। क्या हो रहा है आज? हो रहा है एगलेस मायोनाइज। अरे वाह, वेजिटेरियन मायोनाइज। यस। वो कैसे बनता है? क्योंकि आजकल के जमाने में सब लोग क्या है, फास्ट फूड दिया हो गया है। ओके। और उसमें मायो तो चाहिए ही चाहिए जी। तो हम ऐसे ही घर पे बना के ही खाते हैं, तो आप सबके साथ भी शेयर कर लेते हैं। जी, आप मायोनाइज बोले, मेयोनीज बोले, जो बोले, तो आज वेज वाला वर्जन बनने वाला है एकदम फटाफट, है ना मॉम? जी जी जी। और घर का बना है तो बाहर का लेने का जरूरत नहीं है, कोई शक भी नहीं रहेगा कि इसमें क्या होगा कैसे होगा, तो हम लोग घर पे ही बना लिए। मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क लिया है। ओके। 1/4 कप है। रेशियो ऐसा है कि जितना दूध है उसका डबल ऑयल लेना है। ओके। तो 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा नमक लिया है स्वाद अनुसार, और लेमन जूस है एकदम थोड़ा सा। आपके पास अगर एक लेमन जूस नहीं है तो आप विनेगर भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, अभी इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए, वाओ, इतना क्रीमी लग रहा है ना ये तो, बहुत। जी, होममेड मायोनाइज रेडी है, उसे हम अभी सर्व करेंगे और साथ में सैंडविच भी बनाएंगे। ओके। सबसे पहले मैंने ब्रेड ले ली है और उसकी एजिस निकाल दी है, और अब हम इसमें मायो लगाएंगे। भी हम इसके ऊपर इस साइड भी लगा लेंगे। हाँ, दोनों साइड लगा लेंगे। अभी हम इसके ऊपर लेट्यूस लगा देंगे। अब इसके ऊपर कटे हुए टमाटर, क्यूकुम्बर का पीसेस है वो रखेंगे। फिर आपको जितना मर्जी जो भी वेजिटेबल डालना है वो डाल सकते हैं, ऑनियन है, आलू है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर, और उसके ऊपर ये जो लगाया हुआ मायोनाइज है वो ब्रेड रख देंगे। तो रेडी है एक सैंडविच, इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। बच्चे बड़े सबको ये बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, एकदम इंस्टेंट बन जाती है। ब्रेड yes. चाहिए बस घर में, और वेजिटेबल तो होता ही है। अब दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं। आप इसमें चाहे तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं, बॉम्बे सैंडविच बना के। फिर आप इसमें बेसिल का को क्रश करके डाल सकते हैं, मस्टर्ड का जो पाउडर आता है वो डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी मन में आए ना वो कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ, अभी इसमें भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक छिड़केंगे। ऐसे ही इसके ऊपर दूसरी ब्रेड को रख देंगे। तो रेडी हो गई दो टाइप की सैंडविच, एकदम फटाफट बनने वाली, और बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं क्योंकि ये तो होममेड है, कोई टेंशन नहीं है। बाहर का खाने का कभी डर लगता है तो ये बना लो। और ये रेडी है होममेड मायोनाइज विथ सैंडविच। यस, ये सिर्फ मायोनाइज और पेपर वाली है, और ये हमारी वेज सैंडविच। सैंडविच खाइए, बहुत ही बढ़िया दिख रही है ना, और एंजॉय कीजिए। यस, और बने रहे हमारे साथ। हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, और कमेंट करते रहिएगा जी कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।